डियर स्टूडेंट, आज हम साउंड एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है हमारी सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड, फिर गैस। ये इसका ऑर्डर है। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम टर्निंग फोर्क का यूज़ करते हैं, जो वाइब्रेशन पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। आपको सुनाई दे रही होगी किस तरह की वाइब्रेशन होती है। टर्निंग फोर्क जब आपस में एक दूसरे को हिट करते हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशन के कारण ही क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वाइब्रेशन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड आपका सॉलिड में जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, उसके बाद लिक्विड। अब लिक्विड का एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लिक्विड में हम क्या करते हैं, जब टर्निंग फोर्क हिट करके इसमें डिप करते हैं वाटर के अंदर, तो ये क्या होता है, वाटर थोड़ा ऊपर आता है। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, अभी आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूस बार बार, और आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी टर्निंग फोर्क जब आपस में एक दूसरे को हिट कर रहे हैं तब। और एक्सपेरिमेंट में ये दिखा, जैसा कि ये क्या है हमारा टर्निंग फोर्क के कुछ एक्सपेरिमेंट थे स्पीड से।